हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेआर टेक्निकल सपोर्ट हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बिल्कुल ही लेटेस्ट जानकारी आ रही है जेपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर के। तो चलिए हम देखते हैं, ये खबर जो है हिंदुस्तान.com पे है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर फिर संशय के बादल, 28 से होनी है परीक्षा, नहीं मिला है एडमिट कार्ड। ये जो है हिंदुस्तान ब्यूरो जो है, आप डेट देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है कि 15 जनवरी 2019 को ये जो है न्यूज आ रही है। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या खबर है। जैसा कि इसका हेडिंग दिया गया, जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर फिर संशय के बादल, अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ आप जैसा देख पा रहे हैं कि छठी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के आयोजन में अब भी संशय जो है कायम है। आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, जिसमें 28 जनवरी से परीक्षा आयोजित करनी है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र तक नहीं मिल पाया है। कुल 34,634 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के सचिव जगजीत सिंह बताते हैं कि मामला कोर्ट में फंसे होने के कारण प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है। 2-3 दिन में फैसला आने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रवेश पत्र मिल सकता है। शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं होने के कारण जो है देर हो रही है। छठी जेपीएससी से 326 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 2015 से चल रही है, लेकिन कई बार परीक्षा विवादों में रही है। कोर्ट में मामला फंसे होने के कारण प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है। 2-3 दिन में फैसला आने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रवेश पत्र दिया जा सकता है। जगजीत सिंह सचिव जो है जेपीएससी। तो चलिए हम छठा पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या खबर है इसमें। तो ये क्या मामला है दोस्तों, देखते हैं हम। छठा पेज पे हम आ चुके हैं। कट ऑफ मार्क्स को कोर्ट में दी गई थी चुनौती। तो चलिए इसे हम देखते हैं। छठी जेपीएससी पीटी के रिजल्ट में कट ऑफ मार्क्स कम करने के फैसले को पंकज पांडे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सरकार के फैसले को गलत बताते हुए इससे संबंधित अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई थी। पांडे ने नियुक्ति की प्रक्रिया के वक्त बीच में नियम नहीं बदले जाने की दलील दी है। जेपीएससी पीटी का तीसरा बार निकला है रिजल्ट, यानी कि जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जो है पहली बार 2017 को निकाला गया था, जिसमें 5138 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए थे या सफल हुए थे, जिसमें आयोग द्वारा जो है 15 गुना के आधार पर रिजल्ट का विरोध किया गया था। कोर्ट के निर्देश पर संशोधन कर दूसरी बार रिजल्ट निकला, जिसमें जो है 6103 अभ्यर्थी पास हुए। फिर विरोध होने के बाद हाई कोर्ट ने जेपीएससी प्रारंभिक रिजल्ट संशोधित कट ऑफ मार्क्स के आधार पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसमें 34,000 से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास हुए हैं। और उसके बाद जो है फ्रेंड, ये जो है कुल रिक्त पदों की जो है विवरण दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल जो है 326 पदों पर होनी है नियुक्ति, जिसमें प्रशासनिक सेवा के जो है 143, वित्त सेवा के 104, शिक्षा सेवा के 36, योजना आयोग के 18, सहकारिता सेवा के 9, सूचना सेवा के 7, पुलिस सेवा के 6, सामाजिक सुरक्षा सेवा जो है 3, यानी कुल जो है 326 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो ये थोड़ा सा अपडेट, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था आपका 6th JPSC मेंस एग्जाम को लेकर कि ये परीक्षा होगी नहीं होगी। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था फ्रेंड कि सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।